नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन से घबरा गए थे नसरुद्दीन शाह, ड्रीम गर्ल ने दी थी नसीहत। हेमा मालिनी ने कुछ अलग करने की चाह में फिल्म रिहाई साइन की थी, जिसमें वुमेन्स सेक्सुअलिटी को खुलकर दिखाया गया था। फिल्म का कंटेंट उस दौर के लिहाज से काफी बोल्ड है। फिल्म में हेमा मालिनी का एक लव सीन बहुत चर्चा में रहा था, जिसे शूट करते वक्त नसरुद्दीन शाह काफी घबरा रहे थे। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह की घबराहट पर दिलचस्प कमेंट भी किया था। फिल्म में विनोद खन्ना का भी अहम रोल है। हेमा मालिनी पिछली बार फिल्म शिमला मिर्च में नजर आई थी। वे आज भले राजनीति में सक्रिय है, लेकिन उन्होंने अपने दौर में एक से बढ़कर एक शानदार और बोल्ड फिल्में साइन की थी, जिनमें से एक मूवी है रिहाई। फिल्म में नसरुद्दीन शाह के साथ हेमा मालिनी का रोमांटिक सीन काफी सुर्खियों में रहा था, जिसकी शूटिंग के वक्त दिग्गज एक्टर घबरा गए थे। हेमा मालिनी की फिल्म रिहाई 80 के दौर के लिहाज से काफी बोल्ड थी, जिसे अरुणा राजे ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में हेमा मालिनी के साथ नसरुद्दीन शाह और विनोद खन्ना ने भी लीड रोल निभाया था। फिल्म गाँव में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी को बयां करती है, जिनके पति रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। हेमा मालिनी की फिल्म फीमेल सेक्सुअलिटी और समाज के दोहरे नजरिए पर बात करती है। फिल्म उस नजरियों को चुनौती देती है जो मानती है कि महिलाओं को पवित्र रहना चाहिए, जबकि आदमियों को अपनी इच्छाएं पूरी करने की छूट होनी चाहिए। हेमा मालिनी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वे इस फिल्म को करने के लिए क्यों तैयार हुई, तो बोली कि वे महिला निर्देशक के साथ काम करना चाहती थी। हेमा मालिनी ने कहा था कि अरुणा राजे ने इसे डायरेक्ट किया था, मुझे भी फिल्म की कहानी काफी पसंद आई थी। मैं गांव की महिला जैसा कोई अलग किरदार करना चाहती थी, बड़ा अच्छा लगा। कहानी बहुत प्यारी और दिलचस्प थी, लेकिन काफी बोल्ड थी। हर एक रोल करना चाहिए ना, मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर आपको हर तरीके का रोल करने का चैलेंज लेना चाहिए। हेमा मालिनी ने फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए कहा, फिल्म बड़ी खूबसूरती के साथ बनी थी। जब होस्ट ने हेमा मालिनी से नसरुद्दीन शाह के साथ उनके एक लव सीन का जिक्र किया और बताया कि एक्टर उनके करीब जाने पर कैसे घबरा रहे थे, तो ड्रीम गर्ल ने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, इतना डर लगे तो। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि उन्होंने माँ के कहने पर फिल्म बागबान करने को तैयार हुई थी। वे बोली थी कि मुझे याद है, जब मैं रवि चोपड़ा से फिल्म की कहानी सुन रही थी तो माँ मेरे पास बैठी हुई थी। वे जब चले गए तो मैंने कहा, वे चार बड़े बड़े लड़कों की माँ का रोल करने के लिए कह रहे हैं, मैं ये सब कैसे करूंगी। माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ये फिल्म जरूर करनी चाहिए। हेमा मालिनी 75 साल की हो गई। वे आज भले राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन सिनेमा से उन्होंने दूरी नहीं बनाई है। वे 2020 की फिल्म शिमला मिर्च में भी दिखी थी, जिसमें राजकुमार राव और रकुलप्रीत सिंह ने लीड रोल निभाया है। उन्होंने साल 2011 में बेटी ईशा देओल के लिए फिल्म टेल मी ओ खुदा डायरेक्ट की थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।